दिल्ली के आरकेपुरम में विवाद में फायरिंग, दो महिलाओं की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। पुलिस के मुताबिक महिलाओं के भाई की खोज में थे हमलावर, मनी सेटलमेंट का पूरा मामला। परिवार के मुताबिक मृतक बहनों के भाई ने देव नाम के शख्स को दिए थे 15,000 रुपए, वापस मांगने पर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली पुलिस ने आरकेपुरम शूटआउट के दो आरोपियों को किया अरेस्ट, अम्बेडकर बस्ती में फायरिंग में दो महिलाओं की हुई है मौत। दिल्ली हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा अगर आम आदमी पार्टी सरकार के पास होती कानून व्यवस्था तो दिल्ली सबसे सुरक्षित बनती। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर अटैक, कहा सरकार ने रेलवे को किया बर्बाद, अनपढ़ सरकार को सरकार चलाने की समझ ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव में हिंसा का दौर जारी, मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या। टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया कार्यकर्ता की हत्या का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सूजापुर में किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने शांति निकेतन गांव पर मारा छापा, 42 बम किए बरामद। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया साउथ 24 परगना का दौरा, लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर जताई चिंता। गवर्नर ने कहा हिंसा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, यहां भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता दिख रहा है, ये स्थिति स्वीकार नहीं। बंगाल में हिंसा और गवर्नर के दौरे पर बोले टीएमसी सांसद सौगत राय, कहा कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी, ये गवर्नर का काम नहीं। कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर का जम्मू कश्मीर को लेकर बयान, कहा समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिकल 370 और 35 ए पर हो रही है चर्चा। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अखिलेश पर साधा निशाना, लिखा 2024 के लिए अखिलेश का दावा गुब्बारे की तरह होगा हवा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 2014 से अब तक पीएसयू में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां घटी। मुंबई से सटे भयंदर में नाबालिग से छेड़छाड़ और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और अपहरण की कोशिश का मामला आया सामने, 2 युवक गिरफ्तार। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह तोड़ने के नोटिस पर भड़की हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो ट्वीट किया, पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। ओवैसी ने हिंसा के बाद पकड़े गए युवकों की पिटाई का लगाया आरोप, दरगाह के सामने कुछ लोगों की पिटाई करते 2 लोगों का वीडियो किया शेयर। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील आमोर ने पर अटैक किया गया, पुलिस ने एआईएमआईएम के 2 नगर सेवकों को किया अरेस्ट। हैदराबाद के एक गांव में पति पत्नी को पेड़ से उल्टा लटकाया, काला जादू करने का आरोप, पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर बचाई जान। रेसलर साक्षी मलिक का नया दावा, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने दी थी धरने की सलाह। पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का ट्वीट, साक्षी मलिक सत्यव्रत कादियान के आरोपों को नकारा, कहा दीपेंद्र हुड्डा के हाथों की कठपुतली बने पहलवान। साक्षी मलिक का बबीता फोगाट पर पलटवार, लिखा तीरथ राणा और बबीता ने अपने स्वार्थ के लिए किया इस्तेमाल, मुसीबत पर सरकार की गोद में बैठ गए। कर्नाटक में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अपील, 22 जून को बुलाया कर्नाटक बंद, बिजली दरों के बढ़ोतरी का विरोध। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने जारी किया बयान, कहा सोने के गर्भगृह को पीतल से बदलने की फैलाई गई अफवाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 3 बार आया भूकंप, लेह में सुबह करीब 8:30 बजे कांपी धरती, 4.3 रही तीव्रता। दिल्ली में इंडिया गेट पर वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ ने किया आयोजन। मुंबई के एक 5-स्टार होटल में लगी आग, होटल के इंटरनल फायर सेफ्टी सिस्टम से बुझाई गई आग। सीतापुर में कजियारा चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डिरेल हुई, घटना के वक्त खाली थी गाड़ी, कल्याण और करजत के बीच डाउन ट्रैफिक बाधित। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर। गुवाहाटी में भारी बारिश से उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, बढ़ते जलस्तर से डूबे घाट। असम में लगातार हो रही है भारी बारिश, बारिश की वजह से लखीमपुर जिले में बाढ़ की स्थिति। राजस्थान के जालौर में बिपरजॉय का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगह भरा पानी। गुजरात में तूफान से नमक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान, 5 लाख टन नमक बहा ले गए साइक्लोन, कुल 5,000 करोड़ का नुकसान। कोची में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के बलिया में प्रचंड गर्मी और लू का कहर, गर्मी की वजह से बढ़ी कई बीमारियां, 3 दिनों में 54 लोगों की मौत। अयोध्या में हीट स्ट्रोक से एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की मौत, ड्यूटी के समय अचानक हुए थे बेहोश, इलाज के दौरान हुई मौत। यूक्रेन में नोवा काखोवा डैम का कोलैप्स हुआ, बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 31 लापता।
रेलवे सेक्टर में उतरेगा अडानी ग्रुप, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की सेल, SCPL में 100% हिस्सेदारी का होगा अधिग्रहण। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सॉन, एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सॉन। भारत ने मूडीज के रेटिंग के मानदंडों और पारदर्शिता पर उठाए सवाल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। आदि पुरुष के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका। रामायण के राम को भी पसंद नहीं आई प्रभास की आदि पुरुष, मेकर्स पर जमकर भड़के अरुण गोविल। कंगना रनौत ने आदि पुरुष पर किया कमेंट, इशारों में कहा राम का नाम बदनाम ना करो। विवादों के बीच आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस पर बंपर शुरुआत, पहले दिन 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मनाली के पहाड़ों के बीच सोनू सूद ने किया वर्कआउट, 49 की उम्र में सिक्स पैक एब्स भी किए फ्लॉन्ट। आलिया भट्ट करेंगे हॉलीवुड डेब्यू, फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन के प्रमोशन के लिए पहुंची ब्राजील। जैकलीन ने बदली अपने नाम की स्पेलिंग, सोशल मीडिया पर जमकर हुई ट्रोल, ट्रोलर्स ने लिखा बुरे वक्त में उन्हें अंधविश्वास बना दिया है।